तो दोस्तों एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों आप सभी काफ़ी कमेंट आ रहे थे और रिक्वेस्ट आ रही थी, सर प्लीज़ आप एक और वीडियो बनाएं पेन स्टॉक के ऊपर कि आप पेन स्टॉक कैसे हम बाय कर सकते हैं, किस प्राइस में बाय करना चाहिए, क्यों बाय करना चाहिए, डिटेल एक एनालिसिस के ऊपर कीजिए। पेन स्टॉक नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर के लिए देख रहा हूँ करंटली, जो मेरे रडार में है, काफ़ी स्टॉक मेरे रडार में है, बैकलॉग में रखे हुए हैं, जिनकी अभी जो एवरेज जो कॉस्ट है, मतलब जिस प्राइस में मुझे बाय करना है, वो कॉस्ट अभी आई नहीं है। जब वो आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो करंटली कुछ स्टॉक की कॉस्ट आ चुकी है, तो कुछ स्टॉक ये रहे और कुछ स्टॉक आपको अभी मैं लेके चलूंगा चार्ट में, वो भी दिखाऊंगा जो मैंने अभी बाय कर लिया, जो बाय नहीं किए, ठीक है। और एक और बात बोल देना चाहता हूँ, देखो यार जो पेन स्टॉक है वो जीरो हो सकते हैं, डेफिनेटली जीरो हो सकते हैं, तो प्लीज ऐसा अमाउंट लगाना जो लूज कर सकते हो अफोर्ड करने के लिए, ऐसा मत लगा देना जो आप आउट ऑफ आपके मतलब रेंज से हो, ठीक है। तो आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करना, आपकी कैपिटल का 5% हिस्सा इन्वेस्ट करना और उसको डाइवर्सिफाई करना म्यूचुअल फंड की तरह, मतलब 5 से 10 स्टॉक में डाइवर्सिफाई करना, 1000-1000 रुपए करके भी लगा सकते हो या जो भी आपका होगा देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब ये सब चीजें आगे बढ़ने से पहले, अगर सबसे पहले एक बात बोलूंगा, अगर आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं तो आप एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो कि आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूं, तो आप प्लीज उस लाइक बटन को लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिएगा, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, टेलीग्राम में शेयर कीजिए, जो भी आपके ग्रुप से वहां शेयर कीजिए, ताकि आप अपने फ्रेंडों की हेल्प कर सके। हाँ कि पेन स्टॉक से भी हम वेल्थ बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है, ठीक है। और दूसरी चीज, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे आप रेगुलर नोटिफिकेशन पा सकोगे। तो प्लीज वो जो बेल होगा, घंटा होगा, उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप हर अपडेट पा सके सबसे पहले और सबसे फास्ट, ठीक है। और आप हमें ट्विटर और टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, राइट। उसको भी आप एक बार फॉलो कर लेना, ताकि अगर मैं अपडेट करूं तो आप मिस ना कर सको। तो लेके चलता हूं मैं आपको अपनी कुछ होल्डिंग दिखा देता हूं। होल्डिंग दिखाने का पर्पज सिंपल ये रहेगा कि देखो कि पेन स्टॉक से भी आप बाय करके चल सकते हो और आपको अच्छी रिटर्न मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई शो ऑफ हो रहा है, ठीक है, शो ऑफ नहीं हो रहा है, आपको सिंपली रिटर्न दिखा रहा हूँ कि ये है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मैंने खुद बाय कर रखा है, लेकिन मैंने मनी मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए बाय किया, ऐसे हवा में बाय नहीं किया है, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी 1 लाख रुपए कैपिटल है ट्रेडिंग की, तो उसकी 5% 5000 रुपए मैंने डाइवर्सिफाई किया हर स्टॉक्स में, ठीक है। और मेरी एक प्राइस होता है स्टॉक का आने का, मैं जब तक वो प्राइस नहीं आता मैं उसको बाय नहीं करता हूँ, ठीक है। बतलाऊंगा कि वो क्या है, कैसे है, ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्टॉक जो मैं अभी देख रहा हूँ हाल फिलहाल में, और मैंने आपको पहले भी बतलाया कि आप इनको बाय करके चल सकती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल तो मैं दिखा देता हूँ, ये नाइशा कॉप कुछ स्टॉक है, इसको मैं चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नाइशा कॉप अगर आप देखोगे तो 44 पैसे की एवरेज कॉस्ट बैठती है मेरी, 66 पैसे का हमारा इसमें अभी चल रहा है, और 50% रिटर्न से मुझे मिल रही है। मेरा टारगेट इसमें 100% का है, जब मेरा 100% रिटर्न आ जाएगी तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और बाकी जो अमाउंट होगी मैं उसको रहने दूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 7 रुपए या 5 रुपए, इसका टारगेट है मेरा, मेरे ख्याल से, ठीक है। उसका मैं आपको वीडियो नीचे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। बाकी महाकॉप जैसे आपको पता है, मैंने आपको 20 पैसे के आसपास बोला है बाय करने के लिए, अभी करंटली 29 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 44% की रिटर्न हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं अभी इस पर प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, जैसे 100% रिटर्न मुझे दिखाता है मैं तब करूंगा। और एक बात बोल दूंगा, अगर ये मुझे रिटर्न 80% की भी आ जाती है, ठीक है, तब भी मैं प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला। मैंने बोला ना, मेरा कुछ सेटअप रूल है, मैं रूल को फॉलो करता हूँ, 100% अगर रिटर्न दिखाएगा तभी मैं अपना कैपिटल यहाँ से निकालूंगा, उससे पहले नहीं निकालूंगा, ठीक है, एक ये चीज है। दूसरी चीज कि अगर 80% स्टॉक जाने के बाद अगर वो जीरो हो जाता है तब भी मैं पैसे नहीं निकालने वाला। मतलब अगर ये न्यूज आ जाती है कि जैसे PSL मैंने आपको बताया था, उसकी न्यूज आ गई थी कि ये स्टॉक जीरो होने वाला है, मतलब इसमें ट्रेडिंग सस्पेंड होने वाला है अकाउंट, मतलब स्टॉक, ठीक है, तो मैंने तब भी उसमें अपना जो मेरे पास स्टॉक पड़े थे मैंने सेल भी नहीं करे, ठीक है, जीरो होने दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपनी कैपिटल जो है ना उसको डाइवर्सिफाई करो, और उसको मतलब मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो, ताकि आपको कोई रिस्क भी, मतलब आप अगर लगा रहे तो आपको टेंशन ना हो, ठीक है। इसलिए वो PSL जीरो भी हो गया, सस्पेंड भी हो गया, ठीक है। अब उसका क्या होगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। वो मैंने था ना, यहाँ पर जीरो होना ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आपके पेन स्टॉक जीरो कुछ होंगे, ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं। अगर ऐसे करने लगोगे तो फिर भाई, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको ऐसी रिटर्न, ऐसी अच्छी अच्छी रिटर्न नहीं देखने को मिलेगी फ्यूचर में। अगर आपने घबरा दिया, ठीक है, आपने सोचा क्या, मैंने तो एक लिया था PSL, तो चला नहीं, अब ये आपका पेन स्टॉक बेकार होते हैं, मैं चलता हूँ किसी दूसरे सेक्टर में, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बने रहना है, आपको सेटअप रूल को फॉलो करना है, जो मैंने वीडियो बताया था आपको लास्ट वीडियो, अगर आपको याद होगा, ठीक है, अगर नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, देख लेना, उसको फॉलो करो,
साथ में पेशेंसली वेट करो, और जो बताया है जब तक 100% रिटर्न नहीं दिख जाती स्टॉक में तब तक प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अगर दिख जाती है प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी जो अमाउंट है उसको रहने दो, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। और ये अलका करके स्टॉक है, सी और सीएफएल, सीसीएफएल भी एक स्टॉक है, तो आप इनको भी हमने रडार में रख सकते हो, देख सकते हो कि आप कब इसको बाय करना है, ठीक है। तो आप अलका भी उसको अपने रडार में रख सकते हो, सीसीएफएल को भी रख सकते हो, सीसीएफसीएल को भी रख सकते हो 30 पैसे के आसपास, ठीक है। और जेबी इंफ्राटेक को देखो, 1.35 रुपए मैंने इसको बाय किया है, तो आप इसको 1.35 रुपए में मत बाय करना, आप इसको बाय करोगे 60 पैसे में। जेबी इंफ्राटेक 60-70 पैसे पक्का दिखाएगा आपको, जो मेरी स्ट्रेटजी कहती है। तो मेरे हिसाब से 70 पैसे सबसे बेस्ट प्राइस इसका बाय करने का, तो मैं 70 पैसे में इसको बाय करूंगा। मैंने यहाँ पर इसको इसलिए बाय किया है कि ताकि मुझे बार बार किसी चीज को देखना ना पड़े, मतलब मुझे बाबा अलर्ट ना लगाना पड़े नोटिफिकेशन के लिए, मुझे बाबा जेबी इंफ्राटेक गूगल में सर्च करके देखना ना पड़े कि अभी कितना प्राइस चल रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर जीरोधा में इसको बाय किया, तो मैं सिंपल अपनी होल्डिंग को चेक करूंगा, अगर जेबी इंफ्राटेक मेरे होल्डिंग में पड़ा होगा तो मुझे दिख जाएगा इसका प्राइस ये चल रहा है। तो इसलिए मैंने इसको अभी कम क्वांटिटी बाय करी है, और जैसे 70-60 पैसे आएगा तब मैं इसको बाय करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 60-70 पैसे मेरे हिसाब से डेफिनेटली दिखा सकता है जेबी इंफ्राटेक आपको, कभी भी मतलब 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि पैनी स्टॉक है, इनको गिरने में भी टाइम लगता है, बढ़ने में भी टाइम लगता है। तो इन स्टॉक को आप रडार में रखो। चार्ट इनका दिखाता हूं, अभी क्या चार्ट दिखा रहा है, ठीक है। बाकी चार्ट भी दिखाऊंगा और आपको वो भी दिखाऊंगा कि क्या कैसे इसमें हम देख सकते हैं कि क्या हमारी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बाकी कुछ स्टॉक्स और है जो राकेश झुंझुनवाला भी, उनको रडार में रखा हुआ है, 2 स्टॉक है, पैनी स्टॉक जिनको मैं खुद रडार में रख रहा हूँ, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। राकेश झुंझुनवाला के 2 सीक्रेट स्टॉक्स जिसको मैं देख रहा हूँ और जो 1-2 रुपए के आसपास ट्रेड करेंगे फ्यूचर में, जो मुझे लगता है, तो 1-2 रुपए के आसपास मैं उनको बाय करूंगा, जो बिल्कुल टाइटन की तरह ही है, मतलब टाइटन की तरह ही चार्ट बना रहा है। डेफिनेटली ये नेक्स्ट टाइटन बन सकते हैं। वो स्टॉक कौन से होंगे अगर आपको पता है नीचे कमेंट करो, नहीं पता तो मैं उसका वीडियो डेफिनेटली इसके बाद बना दूंगा, ठीक है। अब आपको लेके चलता हूँ चार्ट में। तो पहला स्टॉक देख सकते हो जेबी इंफ्राटेक है, तो जेबी इंफ्राटेक के बारे में हम देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया है, 25 पैसे से लेके 1 रुपए के स्टॉक से ये, आप प्लीज इनको अपने रडार में रखिए, डेफिनेटली नेक्स्ट 5 ईयर में आपको अच्छी रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आप प्लीज अभी रिसर्च कर लेना एक बार, पैनी स्टॉक्स को डेफिनेटली बाय कीजिए, मेरे हिसाब से आपको बाय करके चलना चाहिए, ठीक है। तो मर्जी आपकी, आप देखिए आपको कैसे करना है। क्या देख सकते हो जेबी इंफ्राटेक एक अच्छा स्टॉक मुझे दिखता है, जिसको अभी करंटली 1.25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं बोलूंगा आप इसको अगर चाहो तो 60 पैसे के आसपास बाय करना। इसका रीजन क्या है 60 पैसे के आसपास बाय करने का, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे जो इसका 52 वीक लो प्राइस है वो 40 पैसे के आसपास है, ठीक है। तो 40 पैसे इसका एक सपोर्ट एरिया है, तो डेफिनेटली 40 से लेके 60 पैसे का एक जो रेंज है ये एक सपोर्ट एरिया है इस स्टॉक का, जो चार्ट के हिसाब से मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको आप 60 पैसे में अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करना, जो आपको अच्छी रिटर्न दिखा सकता है, ठीक है। तो 60 पैसे जब आएगा तो मैं खुद इसको बाय करूंगा, तभी मैं आपको सारे एक वीडियो बना के अपलोड बता दूंगा कि आप इसको बाय कर सकते हो, या ट्विटर के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा, आप इसको वॉच इसमें डाल सकते हो कि आप इसको बाय कर सकते हो। इसलिए कह रहा हूँ कि 60 पैसे इसका एक सपोर्ट एरिया है, इसको आप बाय करके डेफिनेटली चल सकते हो। अगर आप चेक करोगे इसकी डिलीवरी क्वांटिटी, तो देखो अभी तो पॉजिटिव दिखा रहा है, 73% की पॉजिटिव है, मतलब लोग उसको सिर्फ बाय करके छोड़ दे रहे हैं, तो एक अच्छा साइन है, तो आप इसको देख सकते हो। मेरे हिसाब से कोई टेंशन नहीं है, 60 पैसे आता है डेफिनेटली इसको बाय करना, उससे पहले मत करना। निफ्टी रियलिटी का स्टॉक है, जो सेक्टर इसका जो पी है सेक्टर का वो 53 के आसपास है, इसका जो पी है अभी मेरे ख्याल से 0 दिखा रहा है अभी तो, ठीक है, नथिंग है इसका, लेकिन एक अच्छा स्टॉक ये बन सकता है फ्यूचर में, आप इसको बाय करके चलिए, ठीक है। 60 पैसे जब आएगा तो उसको बाय करना, डेफिनेटली बाय करना। जो डेट है इसका वो रिड्यूस कर रहे थे, कि काफी अच्छा साइन है कंपनी के लिए, आने वाले वक्त में कंपनी का अपना थोड़ा थोड़ा डेट भी रिड्यूस करती रहती है। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट 1-2 साल में कंपनी पूरा रिड्यूस कर देगी, हाँ टाइम लगेगा, लेकिन अगर डेट रिड्यूस होता है इसका मतलब इसके प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट कंपनी का डेट रिड्यूस हो रहा है, तो कंपनी आने वाले वक्त में अच्छा काम कर सकती है, तो डेफिनेटली आप इसको मेरे रडार में रख सकती हूँ, एक अच्छी खबर है कंपनी के लिए। हाँ, कंपनी के 83% जो स्टॉक्स है वो प्लेज कर रखे हैं प्रमोटर से, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। प्लेज है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है उसको अभी बिलीव है कि कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर सकती है फ्यूचर में, इसलिए प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक प्लेस कर रखे हैं किसी को, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्टॉक होगा, अगर आपको 60 पैसे 70 पैसे कभी मिलता है स्टॉक, तो डेफिनेटली इसको भी रडार में रखिए।
और जो इसकी अगर मैं बात करूँ होल्डिंग प्रमोटर्स होल्डिंग, अगर आप देखोगे होल्डिंग प्रमोटर्स जो है इसके ऑलमोस्ट 61% प्रमोटर होल्डिंग इसके अभी है सितंबर 2020 तक इसकी 61% की होल्डिंग अभी है। ठीक है, FIIs भी इसमें ऑलमोस्ट देख सकते हो जीरो है इसमें। ठीक है, हालांकि DIIs 5% के आसपास है और जो जनरल पब्लिक है वो 34% है, मतलब जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 60% है इसमें अभी। अच्छा पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए, तो मेरे हिसाब से आप इसको बिड़ा में रखिए। बाकी लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो अलका इंडिया लिमिटेड है। करंटली जो प्राइस इसका है 19 पैसे के आसपास है। ठीक है, तो डेफिनेटली 19 पैसे 20 पैसे के आसपास इसको आप बाय कर सकते हो, और प्लीज अपनी रिसर्च एक बार कर लेना जो भी आपका है। ठीक है, मेरा यह काम है आपको बतलाना, और 1,000-2,000 रुपये लगा दोगे तो कोई टेंशन नहीं है। 1,000-2,000 रुपये कब आपका 10,000 रुपये 1,00,000 हो जाए पता नहीं चलेगा आपको। दोस्तों इससे अच्छी क्या बात होगी, जो कंपनी है आपकी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और स्टॉक बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, स्टॉक अपने बुक वैल्यू से काफी सस्ते में ट्रेड कर रहा है और काफी सस्ते में मिल रहा है, तो प्लीज इसको आप प्लीज प्लीज बाय कीजिए। 19 पैसे का स्टॉक है, खोने के लिए कुछ नहीं है। आगे लेके चलता हूँ एक अच्छा, एक और मुझे अच्छा इसमें एक साइन दिखा है कि आपको क्यों उसको बाय करना चाहिए। देखोगे अगर आप उसका नेट प्रॉफिट, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट देखिए, देखोगे तो इस बार इसका जो नेट प्रॉफिट है एक पॉजिटिव साइन इसने दिया है। देख सकते हो दोस्तों ऑलमोस्ट 4,00,000 रुपए आप उसको बोल सकते हो। देख सकते हो लास्ट जो इसके जो प्रॉफिट थे ऑलमोस्ट नेगेटिव आ रहे थे 2019 से। ठीक है, लेकिन इस बार इसके जो प्रॉफिट है एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, तो एक अच्छा साइन है ये कि जो इसका प्रॉफिट है इस बार ऑलमोस्ट पॉजिटिव आया है, जो एक काफी अच्छा साइन है कंपनी के लिए। ठीक है, अब आगे लेके चलता हूँ तीसरा रीजन जो उसको आपको बाय करके चलना चाहिए। एक रीजन ये रहा, आपको दिखा देता हूँ जो उसके आप शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे तो पब्लिक जनरल पब्लिक में बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक नेगेटिव साइन है, लेकिन जो प्रमोटर्स अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स में एक पॉजिटिव साइन देखा गया है कि प्रमोटर्स इसको अब स्टॉक को बाय कर रहे हैं, मतलब जो प्रमोटर पहले उसको सेल कर रहे थे स्टॉक को अपना, अब उसको बाय क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें एक फ्यूचर में पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा काम कर सकती है, इसलिए वह अब इसको बाय कर रहे हैं। अगर आप देखोगे दिसंबर 2018 में जो प्रमोटर होल्डिंग थी ऑलमोस्ट 14.57% के आसपास थी, जो मार्च 2019 में 16% बस हो गई, तो कहने का मतलब यह है कि प्रमोटर्स ने इसको अपने स्टॉक खुद ही बाय किया है। तो कहने का मतलब है कि काफी अच्छा एक ये साइन हमें दिख रहा है कि कंपनी आगे फ्यूचर में अच्छा काम कर सकती है। 19 पैसे का स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, अपनी बुक वैल्यू से काफी नीचे काम कर रही है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जरीब है, और आप बोल सकते हो एक और कि कंपनी का प्रॉफिट है वो अब इंक्रीज हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 4 एक पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं कंपनी में। डेफिनेटली आप इसको बाय करके चलिए मेरे हिसाब से। ठीक है, हॉर्स स्टॉक का बाय करो ना करो, लेकिन इसको पक्का बाय कर लेना, काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है मुझे तो भाई। ठीक, अब आगे लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक ये रहा, देख लो आपका जो फोर्थ स्टॉक है वह क्लासिक ग्लोबल फाइनेंस एंड कैपिटल लिमिटेड। ठीक है, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसका काम ग्लोबल फाइनेंस का काम है। ठीक है, और होम लोन्स का भी काम है इसका, देख सकते हो उसके बारे में। ठीक है, तो काफी अच्छी है इसकी जो वर्किंग जो फील्ड है वह काफी अच्छी फील्ड है। ठीक है, जो आने वाले वक्त में ग्रोथ कर सकती है। तो अगर हम देखें तो करंट वैल्यू इसका जो प्राइस का है 26 पैसे के आसपास है, राइट। और नीचे लेके चलता हूँ आपको, देखते हो कि जो स्टॉक है अपने बुक वैल्यू का 16 times नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, वो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन देखने को मिल सकता है फ्यूचर में इसमें। ठीक है, अगर रिजल्ट की उसकी बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे प्रॉफिट के नहीं है, जीरो मतलब लॉस में है कंपनी अभी। ठीक है, हाफ ईयर में प्रॉफिट दिखाया था इसने, लेकिन अभी ये नेगेटिव में है, राइट। और अगर नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट इस बार का इसका थोड़ा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, लास्ट कंपेयर क्वार्टर में अगर देखोगे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था, और अब इसका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो इसी वजह से स्टॉक में नीचे की तरफ आपको मूव देखने को मिली है। लेकिन अगर इसका प्रॉफिट पॉजिटिव है, मतलब इसको अगर 1,00,000 रुपए या 2,00,000 का प्रॉफिट हो रहा है अंत में, अगर गलती से इसको कभी 5,00,000-10,00,000 का प्रॉफिट हो गया तो ये सीधा इम्पैक्ट इसके स्टॉक के प्राइस में पड़ने वाला है। अगर आप इसका चार्ट भी देखोगे, इसी वजह से स्टॉक का चार्ट हमेशा जिगजैग फॉर्मेशन में रहता है। ठीक है, तो कभी भी जो उसके प्रॉफिट है पॉजिटिव में बदल सकते हैं, तो आप इसको डायमे रखिए। और अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो यार बैलेंस शीट तो पॉजिटिव दिखा रही है। बैलेंस शीट देखोगे तो एक अच्छी खासी इसकी जो मोमेंटम है प्लस की तरफ है, मतलब बैलेंस शीट प्लस की तरफ बढ़ने में लगी। देख सकते हो कि बैलेंस शीट में एक अच्छा खासा
उछाल है, ठीक है। 2016 में जो उसके पास एसेट्स थे वो 5 करोड़ के आसपास थे, जो अभी 8 करोड़ के आसपास है, तो काफी अच्छी एक अच्छा साइन है इसके लिए, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो 21% का प्रमोटर सभी होल्ड कर रहा है और 78% की इसमें जनरल पब्लिक है। कंपनी में एक अच्छी बात यह है कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, और दूसरी चीज कंपनी के जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है, कभी 1 करोड़ का होता है, कभी 2 करोड़ का होता है, क्या होता है। लेकिन अगर कभी भी इसको कभी प्रॉफिट ज्यादा हो गया नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में, तो जो इम्पैक्ट है वो उसके प्राइस में पड़ने वाला है। तो आप इसको फॉलो कीजिए, रखिए अपने पास, ठीक है। आप अगर 25 पैसे 30 पैसे में बाय करके 1,000-2,000 रुपए लगा के भूल भी जाती हो, गलती से स्टॉक आपका 2-3 रुपए हो भी गया, तो डेफिनेटली आपको अच्छी रिटर्न देना के दे सकता है ये स्टॉक, तो इसको प्लीज अपने रडार में रखिए, ठीक है। जो हमारे अलग स्टॉक, जो दूसरे स्टॉक थे, महाकॉप और नाइसाकॉप, इसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो का जो लिंक होगा मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहां से देख लेना, जो भी इसके बारे में बताया एक अच्छा डिटेल एनालिसिस उसमें किया है कि क्यों आपको उसको बाय करना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से इन स्टॉक को आपको बाय करके चलना चाहिए। अगर आपका कुछ भी और क्वेश्चन है, क्वारी है, तो नीचे कॉमेंट करो, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे और क्यों किन स्टॉक को अपने फ्यूचर में रखना चाहिए, बाय करना चाहिए पोर्टफोलियो में, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, मल्टी बैगर के लिए। तो अगर वीडियो थोड़ा भी सपोर्टिव लगा, अच्छा लगा, तो फिर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलता हूँ आपको।